तरीके से हमारे समय की ही इसका विस्तार हुआ, विकास हुआ, आपको पता है, सारी जानकारी है। क्या कारण है कि बीजेपी सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी तक नहीं हुई नहीं है? उस समय इन्होंने कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुला। हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, जिसका नाम इन्होंने बदल के दीनदयाल उपाध्याय किया, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की बात हो, चाहे वो भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज सोनीपत की बात हो, चाहे मेवात के मेडिकल कॉलेज की बात हो, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 चाहे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज की बात हो, 6 मेडिकल कॉलेज बने। क्या कारण है? इन्होंने वायदा किया हर जिले में, मगर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। ये वो सवाल है कि ये विकास के लिए और किसान गरीब आदमी की भलाई के लिए कोई फैसला, कोई काम करने में विश्वास नहीं रख रहे। ये कि काम की बात छोड़ो और भाईचारे को तोड़ो, इस रणनीति को लेकर बीजेपी, मैं समझता हूँ कि चलिए हमारे प्रदेश में, और ये विफल चुनाव क्षेत्र निर्धारित है, वहीं से जन प्रतिनिधि के रूप में हूँ। और मैंने कभी किसी के ये नहीं कहा कि किसी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूँ। उन्होंने ज़रूर कही होगी, उनके जो है इनेलो में मल्टीपल आदमियों ने कही होगी कि भाई जहाँ हम वहाँ लड़ेंगे वो लड़ेंगे, उनका स्वागत हुआ। मैंने जहाँ तो ये बात आप कह रहे हो, मैंने ये कहा, कही थी भिवानी की बात आई थी उस समय, कोई बात आई थी, मैंने कहा भिवानी की भी बात मैं लोकसभा में उतनी मजबूती से उठाऊंगा जितनी मेरा होता ठीक खाता हूँ, मैं उतनी मजबूती से सर हरियाणा, मैं पूरे हरियाणा की बात उठाने में विश्वास रखता हूँ, और इस बात से उनको तकलीफ है, मगर मैं उतनी मजबूती से, चाहे भिवानी की हो, चाहे सिरसा की हो, चाहे होता, क्योंकि विकास जोड़ता है। ये जो नेशनल हाईवे हैं जोड़ने का काम किया, ये जो आज जैसे मेट्रो आई है, एक्सटेंशन की बात, RRTS के माध्यम से हम हिसार तक लाना चाहते हैं, जो ओरिजिनल प्लान था। आज मैं कहूँगा कि जो मेट्रो वाला कार्यक्रम है, इसमें जो मेरा सपना था उसका एक पहला भाग आज पूरा हुआ है। भाग्य की 4 साल में मेट्रो का एक खंभा इन्होंने मंजूर नहीं किया, मगर दूसरा भाग जो था इसका विस्तारीकरण था, और विस्तारीकरण की जो योजना थी वो बल्लभगढ़ की मेट्रो पलवल तक पहुँचे, उत्तर दिशा में मेट्रो सोनीपत तक पहुँचे, और उसके आगे RRTS पानीपत तक पहुँचे, दक्षिण दिशा में पावल रेवाड़ी तक पहुँचे, RRTS अलवर तक पहुँचे, और वेस्टर्न दिशा में जो ये मेन हरियाणा है, जो जिसमें हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी बस्ती, तभी हमने NH-10 का जो NH-9 है इसको विकास विकसित करने के लिए विशेष फोकस हमारी सरकार कर रहा। इसमें जो मेट्रो है, मेट्रो रेल बहादुरगढ़ से आगे बढ़ाकर सापना रोहतक तक पहुँचे, और RRTS का कॉरिडोर आने वाले आगे करियो। वैसे आप बड़े अच्छे मैनेजमेंट क्वेश्चन पीछे, आपका बहुत दीपेंद्र जी, हरियाणा के अंदर 2 यात्राएं चल रही हैं, देखो आज एक जनक्रांति यात्रा, एक आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ हैदराबाद में कार्यकर्ता सभा जनक्रांति यात्रा की तैयारी के लिए, जो कार्यकर्ता सभा, जिस सभा में आपने स्वयं देखा होगा कि हजारों की संख्या में जो लोग उमड़ के आए और इतने जोश के साथ, इतनी गर्मी में, इतने घंटे देरी से भी बैठे रहे उनकी गर्मी में, मैं जो सभा के हमारे आयोजक हैं भरत सिंह बनीवाल जी और सभी वो लोग जो आए आज की सभा में जिस जोश के साथ आए, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि भाई ये इतनी अच्छी आज ये सभा का आयोजन किया गया। इससे मैं समझता हूँ कि एक संकेत दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम रानिया गए थे और रानिया में डॉक्टर केवी सिंह जी की जो सरकार के प्रोग्राम होते हैं वो रैली रखवाते हैं, तो उनके वो चाय भी सीसी में तो रहते हैं। ये जो संकेत है वो ये है कि भाजपा से लोग पीछे हटते हैं, भाजपा सरकार के कार्यशैली 4 साल की जो रही है, तमाम हरियाणा के सभी वर्ग उससे परेशान हुए हैं और भाजपा से कहीं ना कहीं विमुख दिखाई दे रहे हैं। सर, मोदी की चाय से कांग्रेस से कड़क होती जा रही है, मैं निसंदेह, ये तो आप लोग जज करें, मगर मैं, मेरा ये मानना है, ये जो संकेत है इसी बात का संकेत है कि वो जो है बीजेपी से विमुख हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल को भी याद करते हैं लोग, एक धारणा लोगों में बनी है कि 10 साल कांग्रेस राज में, भारत आपके नेतृत्व वाली सरकार में हरियाणा में काफ़ी काम हुआ, हर वर्ग खुशहाल था और बहुत ही अमन चैन के साथ, शांति और भाईचारे के साथ हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ा। और 4 साल में इस प्रदेश ने हरियाणा को नकारात्मक दिशा में लेके जाने का काम किया, इस प्रदेश सरकार ने खतरे
असंवेदनशीलता दिखाती है मशीनरी जो इनकी है, सारे जो मंत्री है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी पर ब्लेम नहीं कर रहा, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों तक जो ढांचा इस सरकार का आया है, सारे जो किसान सड़क पे आ रहा है, अभी 10 दिन का भारत बंद था अपने कर्जे माफी के लिए, अपने स्वामीनाथन कमीशन के लिए, पीछे आपने देखा जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं वो सड़क पे आए थे, उससे पहले आपने देखा कि जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, वो उन पे वो सड़क पे आ रही हैं, जो छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, कंप्यूटर टीचर, लैब सहायक, वो सारे अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो सड़क पे आया, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी आपने देखा होगा। मैं चाहता हूँ ये एक आप लोग के लिए रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट जो है, आज का 22 जुलाई को सोहाना में फतेहाबाद जिले में वो यात्रा पहुँचेगी, सिरसा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो अपने नज़दीक क्योंकि अभी 3 दिशाओं में वो पहुँच गई यात्रा, ये अपना अब सोहाना में 22 जुलाई को बड़ी जनसभा के साथ, और आप लोग के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग साथ दें, लोग आशीर्वाद दें, 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा रोहाना में पहुँच कर एक निर्णायक भूमिका हरियाणा के राजनीतिक बदलाव के लिए, हरियाणा में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए एक निर्णायक भूमिका 22 तारीख को रोहाना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, निर्णायक भूमिका। सर मोटा साहब, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रही है कि उन्होंने खट्टर साहब के लिए जैसे खट्टर पट्टर शब्द जैसे इस्तेमाल किए, तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक सांसद मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं तो आम जन के लिए क्या अपेक्षा रखी जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसमें वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो गुजरात से मॉडल लेकर जो बीजेपी वाले आए, भाई को भाई से लड़ाने के मॉडल लेकर आए, मेरा पूरा स्पीच इन बीजेपी वालों को जो भाई के भाई से लड़ाकर राजनीति करते हैं, ये हरियाणा की संस्कृति से मेल नहीं खाते, हरियाणा की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति, और उस स्पीच में कड़ी में मैंने उसको सर्जिकल स्ट्राइक करके केवल एक शब्द उन्होंने उठाया, ये पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी बात है, और इन्होंने बारी बारी ये बोलते हैं, और केवल वो जो शब्द बोला उसके लिए मैंने तभी कहा था कि जिस तरह से मैंने बोला ये मेरी शैली नहीं है, वो लोग बोलते हैं बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री जी से लेके उनके सारे लोग बोलते हैं हमारे नेताओं के बारे में किस तरह से, मगर मेरी ये शैली कभी नहीं रही है, मेरा कभी नहीं रहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, मैंने तभी उसका खेल व्यक्त किया था कि जो जिस तरीके से मैंने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, मैं इस तरीके से कभी किसी का नाम नहीं लिया, वो तभी तुरंत और ये 1.5-2 साल पुरानी बात है, मगर मैंने तभी कहा कि मगर जो मेरी पूरी स्पीच है वो स्पीच बिल्कुल मैं उस पर जो स्पीच है उसमें जो बात है वो वही बीजेपी वाले इसमें से भी सर्जिकल स्ट्राइक करके उसी को अपनी राजनीति को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। स्पीच में मैंने यही सारी स्पीच का मेरा लेक्चर का यही पार्टी के साथ मिलकर काम कराते हैं, पंच और सरपंच भी, और बस मैं समझता हूँ कि पत्रकार बचे हुए हैं थोड़े बहुत, जल्दी जल्दी आप भी जो है ये, और हम उम्मीद करेंगे कि आप बचे ही रहे, क्योंकि आपसे प्रजातंत्र टिका हुआ है, आप लोग बचे रहे, कार्यकर्ताओं की मुश्किल को खत्म, यहाँ तक कि जज भी आए न्याय मांगने देश के सामने, बिल्कुल मीडिया 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 वाले कब आएंगे? बीजेपी सरकार का आरोप है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के कार्यकाल में मानेसर में 915 से 20 आरोप है, बदले की भावना की कार्रवाई है, पूरी तरीके से झूठा आरोप है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में सारी तथ्य नहीं रखे अभी वो, क्योंकि सब जुडिस मैटर है, मैं इतना ही कहूंगा बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सरकार ने दी, सरकार ने सुप्रीम आपका अधिकार है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रही है, अशोक तंवर कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की कमान की अध्यक्षता में ही रहेगी, कांग्रेस एकजुट है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर, हमारी विचारधारा को लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट है, जहाँ तक अलग अलग कार्यक्रम की चुकी आप लोग भी वो बात करेंगे, जहाँ तक अलग अलग कार्यक्रमों की सारे अपने अपने तरीके से स्वतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी का भी अपने कार्यक्रम करने के लिए कोई किसी पाबंदी नहीं, सारे अपने अपने कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये विश्वास है कि सही समय पे पूरी एकजुटता के साथ
आने वाले समय में आपको कांग्रेस पार्टी। सर हुड्डा साहब के पुराने साथी हैं चौधरी रंजीत सिंह, हुसैन शर्मा जी आपका साथ छोड़ गए, क्या वजह क्या रही? मैं किसी का व्यक्तिगत कोई बात दीपेंद्र जी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों में एक आपका आपका अधिकार सर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रही है, अशोक तंवर कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की कमान की अध्यक्षता में ही रहेगी। कांग्रेस एकजुट अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर, हमारी विचारधारा को लेकर पूरी कांग्रेस एकजुट है। जहाँ तक अलग अलग कार्यक्रम की चुकी है आपने भी वो बात करेंगे सारे अपने अपने तरीके से स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अपने कार्यक्रम करने के लिए कोई किसी को पाबंदी नहीं, सारे अपने अपने कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये विश्वास है कि सही समय पर पूरी एकजुटता के साथ आने वाले समय में आपको कांग्रेस पार्टी। सर हुड्डा साहब के पुराने साथी हैं चौधरी रंजीत सिंह, हुसैन शर्मा जी आपका साथ छोड़ गए, क्या वजह क्या रही? मैं किसी का व्यक्तिगत कोई बात नहीं। दीपेंद्र जी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों में एक आपका सरकार के फीते काट सकते हैं। हमारे समय भी देश के प्रधानमंत्री और उस समय आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया जी आती थी हरियाणा में, तो बड़े प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन वगैरह रखने आती थी। कहीं परमाणु का कारखाना तो फतेहाबाद में आ रहा है, कोई जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह खेदड़ आए बिजली का 8,000 करोड़ का कारखाने का फाउंडेशन रखने, सोनिया जी झज्जर आई NTPC का 8,000 करोड़ का थर्मल का फाउंडेशन स्टोन रखने, और इस तरह कार्यक्रम होते। मगर अभी आप देखेंगे राजनीति करती है देश में, केवल कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं, कोई भी मजबूत लीडर दिखता है इनको, चाहे वो ममता बनर्जी है उनके खिलाफ CBI मुकदमे बने, चाहे वो बिहार में वहाँ से ईस्टर शुरू हो जाए, चाहे वो बिहार में लालू जी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती जी हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर और वीरेंद्र सिंह जी हैं, चाहे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी हैं। क्या कारण है कि सभी के खिलाफ CBI मुकदमे, और जो है भाजपा की जो कारनामे देश देख रहा है, भाजपा के जो कारनामे देश देख रहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र जी का मामला सामने आया, इस तरह के बैंकों को लूटने का काम जैसे खुलेआम हो रहा है।